हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में मैं जितेंद्र। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 नेक्स्ट जन को लेके 4 न्यू अपडेट जो हैं वो हमारे पास आए हुए हैं। पहला जो है आप सामने देख रहे हैं, क्लासिक नेक्स्ट जन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 3 और अपडेट हैं जो आगे मैं वीडियो बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप क्लासिक नेक्स्ट जन का बहुत पहले से वेट कर रहे थे ना, तो आगे आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर फर्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है क्लासिक नेक्स्ट जन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोस्तों, उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया में देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों, डिस्प्ले देख के एक चीज़ तो पता चल रहा है कि बहुत सारे जो डिटेल्स है उसके अंदर है। तो क्या क्या डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, पहला तो एनालॉग एंड डिजिटल का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जो कि हम बहुत पहले देख रहे हैं। साइड में जो है ट्रिपल नेविगेशन, टर्न बाई टर्न नेविगेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, इग्निशन की के साथ में ही जो हैंडल लॉक भी दिया हुआ है। तो अब जो है नीचे से जो हैंडल के जो नीचे से जो है ना आपको लॉक नहीं जोड़नी पड़ेगी। अब इग्निशन की जहां लगता है वहीं से जो है बाइक जो है आपकी लॉक होगी। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं वार्निंग्स की, क्या क्या वार्निंग जो है एनालॉग में दिखाया जा रहा है। तो न्यूट्रल, बैटरी, ABS, माल फंक्शन और लो फ्यूल इंडिकेटर जो है वो दिया हुआ है। एंड दोस्तों, जो दोस्तों डिजिटल डिस्प्ले में अगर बात करें तो फर्स्ट मेन चीज़ है वो है फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद ऑडियो दिख रहा है, ट्रिप दिख रहा है। एंड दोस्तों, F12 इको एंड जो सर्विस का रिमाइंडर है ना वो भी देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, इसमें आपको टाइमिंग मिलेगा और जो किलोमीटर्स जो दिखाने वाला वो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिजिटल डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है। और मैं जिसके लिए खुश हूँ वो है, अब आपको क्लासिक में भी जो है फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि पहले नहीं था। एंड फ्यूल इंडिकेटर कितना सही वर्क करता है नहीं करता है वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। दोस्तों, नेक्स्ट जो अपडेट है वो अपडेट है कलर को लेके। दोस्तों, कलर जो है 3 जो है अभी तक रिवील हो चुके हैं। पहला तो आपको मालूम ही है जो ब्लैक है, जो जिसका टेस्टिंग हम देख रहे थे। एंड दोस्तों, सेकेंड जो कलर है वो आपको अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसकी मैंने वीडियो दिखाई उसमें आपको देखने को मिला है वो है डार्क ग्रीन, जिसको बैटल ग्रीन कलर जो है वो बोला जाता है, जो कि मैंने बहुत पहले अपडेट दिया हुआ था कि बैटल ग्रीन जैसा कलर जो है वो क्लासिक नेक्स्ट जन में देखने को मिलेगा। एंड वो यहाँ पर अभी अपडेट जो है वो ट्रू हो रहा है। एंड दोस्तों, तीसरा जो कलर है ना वो कहा जा रहा है सिल्वर शेड। दोस्तों, सिल्वर शेड भी जो है इसके अंदर जो है आने वाला है। तो 3 कलर जो है वो अपडेट अभी सुनने को मिल रहे हैं। बाकी कलर्स को लेके अभी कंफर्मेशन जो है वो नहीं आया हुआ है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। दोस्तों, नेक्स्ट जो अपडेट है वो है लॉन्च डेट को लेके, जिसका बहुत सारे लोग जो हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड वो जो डेट मुझे मल्टीपल सोर्सेज से एक ही डेट सुनने को मिल रही है वो है 12th of May, मतलब 12 मई जो है 2021 को जो है क्लासिक नेक्स्ट जन जो है वो लॉन्च हो सकती है। दोस्तों, बट इसमें कंडीशन ये है कि अभी अगर कोविड का सीन रहा तो मे बी जो है लॉन्च जो है डिले कर दिया जाएगा। बिकॉज अगर कोविड का सीन रहा तो जो इनिशियल सेल जो होता है ना वो रॉयल एनफील्ड को प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। एंड प्रॉपरली जो है वो लॉन्च भी जो है इसका नहीं रख पाएंगे। तो इसके वजह से जो है ये डिले क्या पता देखने को मिलता है। बट 12th मई जो है अभी तक जो है डेट जो है मल्टीपल सोर्सेज से एक ही डेट सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ तक कह सकते हैं कि अभी तक तो ये 12th of May ही है। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। दोस्तों, लास्ट जो अपडेट है जो कि हमारा 4th अपडेट है वो है प्राइस को लेके। दोस्तों, पहले जो एक्सशोरूम प्राइस कहा जा रहा था 1.80 लाख के आसपास कहा जा रहा था। एंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि प्राइस थोड़ा सा हायर साइड में जा रहा है। अभी जो नया प्राइस सुनने को मिल रहा है 1.92-1.95 लाख के आसपास जो है एक्सशोरूम प्राइस रहने वाला है। जितने भी अभी न्यू बायर्स वेट कर रहे हैं ना उनके लिए थोड़ा सा ये बैड न्यूज़ है। बिकॉज अब जो क्लासिक नेक्स्ट जन है ना वो आपको अगर ऑन रोड प्राइस अभी के जो अपडेट के हिसाब से देखा जाए तो 2.25 लाख to 2.35 लाख तक जो है वेरी करेगा। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जो है थोड़ा बहुत जो है प्राइस जो है अप एंड डाउन होता है ऑन रोड में। तो दोस्तों, ये थे 4 अपडेट्स। एंड आई होप आपको ये 4 अपडेट्स जो हैं सही लगे होंगे। बिकॉज इसमें जो मैक्सिमम डिटेल आपको देखेंगे ना, जैसे लॉन्च की ही बात कर लें तो लॉन्च आपको अभी देख रहे होंगे कि मॉडल जो है जिस तरह से रॉयल एनफील्ड की वर्किंग चल रही है वो कलर्स भी अभी धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिला, फिर अलॉय व्हील्स, फिर एसेसरीज। एंड अब जो है लॉन्च के बहुत ही करीब हो चुका है। तो 12 मई जो है
वो सही लग रहा है। एंड दोस्तों इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मैंने आपको दिखा दिया कि इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में क्या क्या आ रहा है, जिसके मैंने पहले ही बात की हुई थी। एंड दोस्तों कलर, कलर के बारे में तो मैं पहले भी कहा था कि इसमें बैटल ग्रीन जैसा कलर जो है ऑलरेडी आने वाला है, जो कि सेम आपको जो है फॉरेस्ट ग्रीन जो है स्टैंडर्ड मिलती थी वैसा जो है क्लासिक मिलेगा। ये बहुत पहले से अपडेट है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख भी सकते हैं। एंड वो डिटेल भी सही निकला, ग्रीन शेड का कलर जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है। एंड इसमें एक सिल्वर कलर का शेड भी है, वो भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों प्राइजिंग, आपको मालूम है कि रॉयल एनफील्ड धीरे धीरे जो है कॉस्टली होती जा रही है, एंड प्राइजिंग जो है थोड़ा इंक्रीज जो है आपको क्लासिक नेक्स्ट जेन में भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों आई होप मैंने सारी डिटेल आपको कवर कर दी होगी, फिर भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट को, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। बाय।